आज हम लोग एडवांस कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी एंड इक्विपमेंट में पढ़ने वाले हैं कन्वेइंग इक्विपमेंट। सबसे पहले आपको समझना है कि कन्वे का मतलब क्या होता है। कन्वे का मतलब है कि एक ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस है ना, एक ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस है। मटेरियल को क्या करते हैं, एक प्लेस से दूसरे प्लेस लेकर जाते हैं किसी व्हीकल की मदद से, है ना, उसको हम लोग कन्वेइंग बोलते हैं। अब जो इक्विपमेंट होगा वो आपका व्हीकल होगा, है ना, जो एक जगह से दूसरे जगह लेकर के जाएगा। एक चीज़ और देखते हैं कि जब मटेरियल को हॉरिजॉन्टली कन्वेइंग करते हैं, है ना, मटेरियल को जब हॉरिजॉन्टली कन्वे करते हैं तो वो क्या कहलाता है आपका, कन्वेयर इक्विपमेंट। ये हो गया आपका कन्वेयर इक्विपमेंट। जब हॉरिजॉन्टली कन्वे करेंगे तो वो इक्विपमेंट कैसा कहलाएगा आपका, कन्वेयर्स इक्विपमेंट। लेकिन जब किसी मटेरियल को वर्टिकली कन्वे करेंगे, है ना, तो वो क्या कहलाएगा आपका, एलिवेटर कहलाएगा। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। आगे है आपका टाइप्स ऑफ कन्वेइंग इक्विपमेंट। ठीक है, टाइप्स ऑफ कन्वेइंग इक्विपमेंट। फर्स्ट है आपका बेल्ट कन्वेयर, सेकंड है डंपर, थर्ड है ट्रैक्टर और फोर्थ है ट्रक। तो वन बाय वन हम लोग सभी को देखेंगे। सबसे पहले है आपका बेल्ट कन्वेयर। बेल्ट कन्वेयर क्या है, बेल्ट कन्वेयर एक इक्विपमेंट है ना, जिसकी सहायता से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी मटेरियल को हॉरिजॉन्टल ट्रांसफ़र करते हैं बाय द हेल्प ऑफ बेल्ट, है ना, बेल्ट की मदद से किसी भी मटेरियल को हॉरिजॉन्टली डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट करते हैं तो आपका बेल्ट कन्वेयर कहलाता है। आगे चलते हैं हम लोग। ये हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि बेल्ट कन्वेयर का क्या प्रोसेस है। ये देखिए ये पुल्ली लगा हुआ है ना, दो ड्रम्स टाइप का पुल्ली है, इस पे बेल्ट लगा हुआ है। ये देख सकते हैं, ये आपका बेल्ट है। ठीक है, पुल्ली के हेल्प से बेल्ट रोटेट करता है ना, ये बेल्ट इस तरह से रोटेट कर रहा है। लेकिन पुल्ली जो है वो किससे रोटेट होता है, ये यहाँ पे इलेक्ट्रिक मोटर लगा हुआ है। ठीक है, पुल्ली किससे मूव कर रहा है, इलेक्ट्रिक मोटर से, और पुल्ली के मूव करने से आपका बेल्ट मूव कर रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं ये हुपर है, जिसको हम लोग फीडर भी बोलते हैं, है ना, इसको क्या बोलते हैं, और हम लोग फीडर का, इसमें इसका हुपर का क्या काम है कि किसी भी मटेरियल को स्टोर करता है ये। ठीक है, और इसी को इनफॉर्म रेट से डिस्चार्ज करता है बेल्ट पे, है ना, यहाँ से मटेरियल एग्जिट लेती है। ये देख सकते हैं कि मटेरियल यहाँ से एग्जिट ले रही है, बिल्कुल इनफॉर्म रेट पे बेल्ट पे आती है और वो यहाँ पे डिस्चार्ज हो जाती है ना, रिक्वायर्ड प्लेस पे आपका डिस्चार्ज हो जाता है। ठीक है, तो मेन चीज़ है आपका बेल्ट ध्यान में रखना है, इलेक्ट्रिक मोटर ध्यान में रखना है, ये आपका पुली है, ये आपका फीडर है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। आगे है आपका मेन कंपोनेंट ऑफ बेल्ट कन्वेयर। अभी हम लोग कंपोनेंट देख रहे थे कन्वेयर बेल्ट का क्या क्या कंपोनेंट है। तो फर्स्ट कंपोनेंट है आपका बेल्ट। ठीक है, बेल्ट को इट इज़ मेड फ्रॉम रबर, या तो रबर से बनाया जाता है या फिर कैनवास वूवेन वायर, है ना, कैनवास वूवेन वायर से बनाया जाता है या फिर स्टील से बनाया जाता है। ठीक है, एक चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे, और ये जो कैनवास वूवेन वायर है ये बिल्कुल मिक्स करके बनता है, इसमें
मेटल का वायर डाला जाता है इस तरह से, और रबर भी होते हैं, तो ये ज़्यादा यूजेबल है ना। हम लोग देखते हैं, जैसे आप लोग को अब कभी देखने का मौका मिलता है तो आप लोग देख सकते हैं, है ना, उसमें वायर डला रहता है, मेटल वायर, और क्लॉथ का बना हुआ रहेगा, है ना, या फिर रबर मिक्स रहेगा, वो मिक्स करके बनाया जाता है वो। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। इडलर क्या है, है ना। इडलर को समझने के लिए पहले हम लोग डायग्राम देखते हैं। ये देखिए, ये आपका बेल्ट कन्वेयर है, स्टील का बेल्ट कन्वेयर है, ठीक ना। इसमें देख रहे हैं ये कोयला ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये जो पुली नज़र आ रहा है साइड में लगा हुआ, यहाँ देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, ये आपका इडलर है। पुल्ली क्यों लगाया जाता है, क्योंकि आपका जो ये बेल्ट है कर्व्ड है, और कर्व्ड साइड में जो बेल्ट का कर्व्ड साइड है, ये आपका कर्व्ड साइड है, इसको सपोर्ट करने के लिए इडलर का उपयोग किया जाता है ना। तो आप लोग देख सकते हैं इडलर क्या है, ठीक है। इडलर आपको पता चल गया। आगे चलते हैं, आगे है आपका ड्राइविंग इक्विपमेंट क्या है आपका। जो कन्वेयर बेल्ट है वो किससे ड्राइव होता है, थ्री फेज इंडक्शन मोटर से, है ना। थ्री फेज इंडक्शन मोटर से आपका पुल्ली जुड़ा रहता है, और पुल्ली से आपका बेल्ट अटैच होता है, जिसके कारण वो पुल्ली पे बेल्ट रोटेट करता है। फोर्थ है आपका टेक डिप्स क्या है। जैसे ये आपका बेल्ट है ना, ठीक है, लेकिन कुछ टेम्परेचर में इंक्रीज करने के कारण आपका बेल्ट क्या होता है, लूज हो जाता है ना, या फिर टेम्परेचर डिक्रीज करने के कारण क्या होता है, ये टाइट हो जाता है ना। इसका पेरीमीटर क्या होगा, टेम्परेचर जैसे ही डिक्रीज करेगा पेरीमीटर रिड्यूस कर जाएगा, तो उसको एडजस्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, टेक डिप्स लगाते हैं, है ना। जैसे हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये अगर ये आपका बेल्ट है, ठीक है, टेम्परेचर डिक्रीज करने के कारण क्या हो गया है, रिड्यूस हो गया है, तो बेल्ट का साइज अगर बढ़ाना है तो एक अनदर बेल्ट हम लोग लगाते हैं, है ना, बेल्ट का छोटा सा पार्ट, वो होता है आपका टेक डिप्स। इसको रिजिडली अटैच करते हैं बेल्ट के दोनों एंड से, ये आपका क्या कहलाता है, टेक डिप्स। वैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो क्या करेंगे, जब टेम्परेचर आपका इंक्रीज करेगा, है ना, तो क्या करेंगे, बेल्ट को काट करके यहाँ से, और थोड़ा सा इसको ओवरलैप करके बाइंड अप कर देंगे, है ना। आगे चलते हैं, आपका है आगे फीडर। फीडर क्या था, हुपर को ही हम लोग फीडर बोल रहे थे, है ना, ये आपका हुपर है, इसमें मटेरियल फीड किया हुआ रहता है, इसको हम लोग फीडर कहते हैं। फीडर का एक और काम है कि जो भी मटेरियल इसमें फीड है उसको यूनिफॉर्म रेट से बेल्ट पे डिस्चार्ज करें, है ना, ये आपका फीडर का काम है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे है आपका यूज ऑफ बेल्ट कन्वेयर। बेल्ट कन्वेयर का क्या क्या यूज है, तो हम लोग मुख्य रूप से हॉरिजॉन्टली ट्रांसपोर्टेशन के लिए करते हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन मटेरियल है आपका सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट, ETC, और भी अदर मटेरियल हम लोग ट्रांसपोर्ट करते हैं, या शॉर्ट डिस्टेंस पे ट्रांसपोर्टिंग करने के काम आता है। बेल्ट कन्वेयर का यूज बैचिंग और मिक्सिंग प्लांट में होता है, जहाँ पे कंक्रीट प्रिपेयर होता है, और इसका यूज बेल्ट का यूज हम लोग कोल माइंस में भी सबसे ज़्यादा करते हैं। कोल माइंस में कोल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। आगे है आपका डंपर। डंपर है क्या,
डंपर एक डंप ट्रक है जो कहीं से मटेरियल को उठाता है, ठीक ना। एक डंप ट्रक है जो डायग्राम में हम लोग देख सकते हैं, ये आपका डंपर है, ठीक ना। इसमें क्या करते हैं हम लोग, मटेरियल को फीड करते हैं, ठीक है। ये आपका ट्रॉली है, ठीक है। ये येलो कलर में जो दिख रहा है ये आपका ट्रॉली है, इसमें मटेरियल को हम लोग डंप करते हैं, है ना। स्टोर करने के बाद इसको ट्रांसपोर्ट करते हैं और जहाँ पे रिक्वायर्ड होता है वहाँ पे इसको इस मटेरियल को ले जाके हम लोग डंप करते हैं, मतलब जमा करते हैं। इसमें एक चीज़ और लगा होता है, हाइड्रोलिक पिस्टन लगा होता है जिसके जरिए ट्रॉली को अपवर्ड मूव किया जाता है, है ना। ये हाइड्रोलिक पिस्टन क्या करता है, ट्रॉली को रेज्ड करता है। क्यों करता है रेज्ड, ये मटेरियल को खाली करने के लिए ट्रॉली को रेज्ड करता है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं डंपर क्या है, डंपर क्या है, एक डंप ट्रक है। इसमें ट्रॉली ऑफ डंप ट्रक इज रेज्ड बाय हाइड्रोलिक पिस्टन, ठीक है। और एक चीज़ और है, इट विल कैरी अप्रोक्सीमेटली 150 टन, है ना। इट विल कैरी अप्रोक्सीमेटली 150 टन ऑफ मटेरियल, 150 टन के आसपास ये मटेरियल को कैरी कर सकता है, ठीक है। आगे है आपका ट्रैक्टर। ट्रैक्टर हम लोग बहुत ज़्यादा यूज भी करते हैं और डेली लाइफ में उसको देखते भी हैं। तो ट्रैक्टर है क्या आपका, ट्रैक्टर एक डीजल इंजन है, है ना, जिसका हॉर्स पावर होता है 20 to 200 HP। यहाँ पे HP नहीं लिखा हुआ है, आप HP मेंशन कर लेंगे। 20 to 200 HP पावर का एक डीजल इंजन होता है। अगर हम लोग ट्रैक्टर का डायग्राम देखना चाहें तो ये देख सकते हैं, ये आपका ट्रैक्टर है, है ना। ये ट्रैक्टर है और ट्रैक्टर का डिफरेंट यूज है, है ना। जैसे यहाँ देख सकते हैं कि जो आपका ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर्स आर जनरली असेंबल्ड विथ डोजर। ट्रैक्टर ऐसे केवल ट्रैक्टर एक इंजन है बट उसका यूज डिफरेंट टाइप से करते हैं, या तो उसमें डोजर अटैच करके करते हैं, या फिर स्क्रैपर लगा होता है, या फिर हॉरो लगा होता है, या फिर प्लफ लगा होता है। बारी बारी से हम लोग इसको देखते हैं। टाइप्स ऑफ ट्रैक्टर, एक टाइप्स है आपका, एक टाइप्स है क्या, क्राउलर ट्रैक्टर, और दूसरा है डिग ट्रैक्टर। क्राउलर ट्रैक्टर्स का मतलब क्या है कि ये जो ट्रैक्टर आप देख रहे हैं, ये जो ट्रैक्टर है इसमें यहाँ देख रहे हैं क्राउलर लगा हुआ है, है ना। ये एक चैन है मेटल का बना हुआ। क्राउलर क्यों लगाते हैं, जैसे जब रफ सरफेस पे काम करना होता है तो ये क्राउलर बिल्कुल रफ सरफेस पे चढ़ने में मदद करता है, इसलिए क्राउलर का यूज करते हैं, ठीक है। क्राउलर ट्रैक्टर में देखते हैं, इट इज़ प्रोवाइडेड क्राउलर विथ इंडलेस चैन मूव अनइवन एंड रफ सरफेस। किसी भी अनडुलेटेड सरफेस और रफ सरफेस पे क्राउलर की मदद से चढ़ा जा सकता है, उतरा जा सकता है, ठीक ना। इसका यूज देखें, यूज किया जाता है रोड कंस्ट्रक्शन में, है ना, या फिर एक्सकवेशन में। जो डोजर देखते हैं उसमें क्राउलर डोजर होता है, वो आपका एक्सकवेशन का में काम करता है, ठीक है। आगे चलते हैं, आपका है आगे है व्हील ट्रैक्टर। व्हील ट्रैक्टर में क्या है, व्हील लगा होता है ना, न्यूमेटिक टायर्स लगे होते हैं, ठीक है। और ये ट्रैक्टर मूव करता है, फास्टर मूव करता है ना, किसके कंपैरिजन में, क्राउलर ट्रैक्टर के कंपैरिजन में। और ये किसी भी सरफेस पे, या तो रफ हो या स्मूथ हो, उस पर चढ़ने में कैपेबल होता है, है ना। ये बोथ रफ एंड स्मूथ सरफेस बोथ फॉर ट्रांसपोर्टेशन एंड कंस्ट्रक्शन वर्क,
ये ट्रांसपोर्टेशन में भी काम आता है और कंस्ट्रक्शन का भी काम करता है। ये देख सकते हैं आप, ये न्यूमेटिक ट्रैक्टर है। ये देखिए न्यूमेटिक टायर लगे हुए हैं, है ना, हवा भरा होता है, वो आपका न्यूमेटिक टायर होता है। यहाँ पे एक किसान क्या कर रहा है, अपने खेतों की जुताई कर रहा है। ये ट्रैक्टर कल्टीवेशन प्रोसेस में यूज किया जा रहा है ना, एग्रीकल्चरल काम के लिए यूज किया जा रहा है। इसी तरह से इसमें ड्रिलर लगे होते हैं कई ट्रैक्टर्स में स्क्रैपर लगा होता है। स्क्रैपर का काम क्या होता है कि किसी भी अनडुलेटेड सरफेस को, जैसे ये अनडुलेटेड सरफेस है, या फिर रोड में जब कंस्ट्रक्शन होता है तो वहाँ पे देखते हैं आप लोग, जैसे मटेरियल जो भी डंप किया गया है उसको एक लेवल में करने के लिए एक स्क्रैपर यूज किया जाता है। यहाँ से इस मिट्टी को काट के इसमें डाल दिया जाता है और इसको काट के आगे डंप किया जाता है। इस तरह से मतलब बराबर करने में यूज होता है, ठीक है। आगे है आपका ट्रक। ट्रक हम लोग बहुत सारे ट्रक देखे हैं, है ना। ट्रक का क्या काम है, ट्रक का काम है कि हैवी से हैवी लोड, है ना, को कैरी करे, हैवी से हैवी गुड्स को वो कैरी करे और उसको ट्रांसपोर्ट करे, है ना। देखिए इट इज़ वेरी लार्ज इन साइज व्हीकल, है ना। ये एक लार्ज साइज व्हीकल है जिसमें वेरियस नंबर ऑफ न्यूमेटिक टायर, मतलब नंबर ऑफ न्यूमेटिक टायर काफ़ी ज़्यादा होते हैं और इसकी कैपेसिटी भी काफ़ी ज़्यादा होती है। 150 एचपी से 600 एचपी के आसपास होता है। इसका यूज क्या है, है ना, हैवी गुड्स, भारी सामान को या फिर भारी मटेरियल को उठा करके ये ट्रांसपोर्ट करता है एक लॉन्ग डिस्टेंस के लिए, ठीक है। ये था आपका कन्वेइंग इक्विपमेंट। इसको आप लोग ध्यान से देखिए, पूरे वीडियो को एंड तक देखिए, ठीक है। थैंक यू।